हल्दी आपके बालों को बनाएगी बहुत ज्यादा हेल्दी। कैसे? इस वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। आपके बालों को हेल्दी बनाने के साथ साथ में सफेद बालों को ये करने का बहुत अच्छा काम करती है। जी हाँ दोस्तों, जो हल्दी है, टर्मरिक, हमारे किचन में जो हम यूज करते हैं, काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, आप सभी जानते हैं। बट हल्दी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, साथ ही साथ ये आपके बालों को रिवर्स करने का, हेयर ग्रोथ काफी अच्छा करने का, सफेद बालों को ये ब्लैक में टर्न करने का काफी ज्यादा अच्छा काम करती है। काफी सारे लोग इसका यूज कर रहे हैं और आप अपने बालों को इसे काला कर सकते हैं इस रेमेडी को यूज करके, इस DIY को यूज करके। तो चलिए, आज की जो रेमेडी है DIY है, बहुत ज्यादा यूजफुल है एंड सक्सेसफुल है फ्रेंड्स। इसका यूज करने से आप अपने बालों को बहुत ही अच्छी तरह से ब्लैक कर सकते हो, साथ ही साथ लंबाई काफी अच्छी बढ़ा सकते हैं। प्रॉब्लम जो भी है उसका सोल्यूशन आपको हल्दी और हेल्दी बना देगा, आपके बालों को इसमें ही मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे किस तरह से आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे ये जो कच्ची हल्दी होती है, कच्ची हल्दी की जो गांठ होती है, इसके बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपको ये नहीं मिलती है मार्केट में, तो आप अपने घर में जो हल्दी का पाउडर है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लेना है लोहे का पैन और 1 कप पानी आपको ले लेना है। यहाँ पे आपको 1 कप की तकरीबन पानी लेना है और यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं इस तरह से करी पत्तों के, करी पत्ते यहाँ पे हम लेने वाले हैं। तो करी लीव्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं बालों को एकदम काला बनाने के लिए। लंबे समय तक अगर बालों को काला बनाना चाहते हैं तो करी पत्तों का इस्तेमाल आप जरूर करिए और ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं दोस्तों। करी पत्तों के साथ में ये जो इनके डंठल होते हैं ना दोस्तों, इसमें भी बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है, तो आप इसे भी डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पे करी पत्तों को ले लिया है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि हम यहाँ पर ये जो कच्ची गांठ जो होती है हल्दी की, मैं उसे ले रही हूँ, तो मैं इसे क्रश कर लूंगी। आप यहाँ पे पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छा है। जब आपको प्योर मिल जाएगी तो प्योरली आपके बालों पे काम करेगा। बालों को सिल्की सॉफ्ट काला बनाने के लिए हल्दी काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पे आधा जो हल्दी है मैंने उसे ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही आसानी से हमें मिल जाती है हल्दी, तो आप अगर चेक करेंगे तो कहीं पे भी आपको ये हल्दी आराम से मिल जाएगी। इन दोनों चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और दोस्तों इसमें इतने न्यूट्रिशन अच्छे होते हैं कि आपके बालों को काला बना दे। देखिए, मैं हल्दी का एक दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगी। जो आपके घर में हल्दी पाउडर है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इस तरह से जो आपके घर में हल्दी पाउडर है, आप क्या करोगे, इसे रोस्ट करके ना तवे पे इसका एक चारकोल बना लीजिए, ठीक है। उसको चारकोल को आपको नारियल के तेल के साथ में आपको रात में लगाना है बालों पे, जड़ों पे मसाज करना है, उसका मालिश करिए। देखिए, उससे भी बाल आपके बहुत अच्छे होंगे, सफेद बाल जो काले करने का काम करती है हल्दी, ठीक है। अब हम इस मिक्सचर को बॉईल होने देंगे। इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स है, इसमें ऐड करने वाले हैं। अब आपको इसमें मिलाना है, ये देखिए, आंवला, जो सूखा आंवला है दोस्तों, मैंने इसे रखा हुआ है। जब भी मुझे लगता है कि मेरे बालों को अगर मुझे अच्छे से डाई करना है और एक नेचुरल डाई प्रिपेयर करना है, इन सारी चीजों का यूज करती हूँ। तो 1 चम्मच के तकरीबन आपको यहाँ पे आंवला ले लेना है। मैं सारी चीजें रॉ में ले रही हूँ, अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर में भी ले सकते हैं। इस वाटर में हम थोड़ा सा यहाँ पे लेमन भी ऐड करेंगे, तो आधे आधे चम्मच के तकरीबन आपको यहाँ पे नींबू का जूस भी इसमें डाल देना है दोस्तों। काफी अच्छा और पक्का कलर आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। बालों में अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, बाल अगर बहुत ज्यादा ईची स्कैल्प है, तो ये बहुत अच्छे से काम करने वाली है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज का काम करते हैं हल्दी और इन सारी चीजों से आपके बालों से इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं। गर्मियों के मौसम में काफी ज्यादा सिर में, स्कैल्प में खुजली होना शुरू हो जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया को भी किल करते हैं आपके स्कैल्प से और आपके बालों को ये स्वस्थ बनाते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से हमें इसे बॉइल करना है और आप इसमें जरूर ऐड करिएगा मेथी पाउडर या फिर मेथी दाना। मेथी दाना जो होते हैं ये बालों को बहुत अच्छे से लश्कर प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे मेथी दाना यूज करेंगे। तो ये देखिए, 1 चम्मच के तकरीबन आपको यहाँ पे मेथी का दाना लेना है। इन सारी चीजों को हमें अच्छी तरह से बॉईल करना है। तो चलिए, अब हम इसे बॉईल कर लेते हैं। उसके बाद हम जो इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे दोस्तों, मैजिकली आपके बालों को, सफेद बालों को टर्न करेगी, आपके बालों को ये काला बनाएगी। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसे लोहे की कढ़ाई में 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और ये वाटर आप देखिए जिस तरह से ये वाटर ब्लैक कलर में आया है।
तो अब हम इसका जो सही तरीका है उसे हम प्रिपेयर करके अपने बालों पे लगाएंगे। सारे न्यूट्रिशन अगर वाटर में आ जाते हैं तब आपको यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद करना होता है। स्ट्रेनर की हेल्प से आपको इसे स्ट्रेन आउट कर लेना है, इस वाटर को आपको ले लेना है। अच्छा, आप लोगों के मन में ऐसे भी बहुत सारे डाउट्स होंगे या फिर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसके पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, सारी चीजें हमने ले ली यहाँ पे। कलर जो है बिल्कुल भी आपको पीला नहीं दिख रहा है। आप लोगों को यहाँ पे जो कलर देखने के लिए मिल रहा है ये ब्लैक कलर है, क्योंकि हमने आयरन पैन का इस्तेमाल किया था। आयरन हमें इसमें मिल जाता है और हल्दी का कलर भी उससे इसकी वजह से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हल्दी का पीलापन नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे नेचुरल ब्लैक हेयर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, कलौंजी का तेल अगर आप लेते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा है। जो कलौंजी तेल है आप इसका इस्तेमाल करिए, जरूर करिए, क्योंकि इससे मेलानिन प्रोडक्शन काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। देखिए इसका कलर भी आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं कलौंजी का तेल ले रही हूँ 1 बड़े चम्मच। अब आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट मिलानी है जिससे कि आपके बालों को आप नेचुरली ब्लैक कर सकते हो। ये वाटर काफी ज्यादा है, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके एड करेंगे। एक बाउल मैंने लिया है और ये वाटर मैंने साइड में रखा है, अभी भी ये वाटर गर्म है। अब हमें इसमें तो यहाँ पे हम इंडिगो पाउडर का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों। ये देखिए इस तरह से इंडिगो पाउडर, जो नीला पत्ता होता है, ये आपको लेना है 2-3-4 बड़े चम्मच, जैसे भी आपके बालों की लेंथ है। अगर सिर्फ आगे के बालों पे ही अगर आपको लगाना है, व्हाइट हेयर हैं, तो आप उसका यूज कर सकते हो। तो 2 चम्मच बहुत ज्यादा इनफ होता है आगे के बाल आपके काले करने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से जो ये पानी आपने बनाया है इस इंडिगो पाउडर में आपको मिक्स करना है। तो धीरे धीरे हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर की कटोरी ली है, फिर भी देखिए आपको इसमें पीलापन कहीं नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एकदम ब्लैक कलर आपको देने वाले हैं। और जैसे ही आप इंडिगो के साथ में इसको मिक्स करके लगाओगे दोस्तों, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा आपको कलर देखने के लिए मिलेगा। तो हमने यहाँ पर, चलिए पूरा पानी हम इसमें डाल देते, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से ये सोक करने वाला है। और अच्छी तरह से इसे आपको मिक्स करके यहाँ पे आपको थोड़ा रेस्ट करने के लिए छोड़ना। ये देखिए इसका कलर आप देख सकते हो, काफी अच्छा ब्लैक कलर है, आपको इंस्टेंटली मिलेगा। जैसे ही आप इंडिगो पाउडर को इसमें मिक्स करोगे इंस्टेंटली आपको ये ब्लैक कलर देखने के लिए मिलेगा। और इसे आराम से अपने बालों पे ब्रश के हेल्प से लगा सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा टाइम रखने की जरूरत नहीं है। गर्मियों का मौसम है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इसे 20 मिनट लगाइए। 20 मिनट लगा करके आपको छोड़ना है बस। आप देखिए फिर आपके बाल जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से सिल्की सॉफ्ट शाइनी ब्लैक हो जाएंगे दोस्तों। बिलीव मी, इस रेमेडी को आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ये देखिए इस तरह से आपका ये जो है घोल प्रिपेयर हो चुका है। आप रेडी टू स्टार्ट अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए अपने बालों पे। और इसका जो एप्लीकेशन आप लगाओगे तो फिर आपको तो छुट्टी हो जाएगी। जो इंडिगो होता है ना, ये काफी लॉन्ग लास्टिंग होता है बालों को कलर देने के लिए। मीन्स आप अपने बालों पे काफी समय तक, मतलब आप 6-7 महीने तक देखोगे कि आपके बाल वैसे के वैसे ही काले रहेंगे। तो बालों को ये काफी ज्यादा अच्छी तरह से ये ब्लैक करके रखेगा। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, शेयर करिए इस यूजफुल रेमेडी को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके और अपने बालों को वो काला कर सके। मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।